दोस्तों पहुंच गया हूं मैं अब तालगेर में, और तालगेर का नज़ारा दिखाते हैं आपको। यहां पे 12 महीने बिल्कुल ठंडा पानी मिलता है, ऐसा लग पियो ये तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने अभी फ्रीज से निकाला है। तो दोस्तों दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से, तो आप बने रहे। दोस्तों ये पानी आता है यहाँ से, यहाँ इसका स्रोत, और ये धीरे धीरे आते आते यहाँ से आगे बढ़ता है। नमस्कार दोस्तों, अब मैं आपको दो जगदीश आपके बीच में फिर से एक नए वीडियो के साथ में। तो दोस्तों यहाँ अभी हूँ मैं जंगल में, और यहाँ पे कई प्रकार के पेड़ हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे कई प्रकार के पेड़ मेरे सामने आ रहे हैं। तो मैं जितना मुझे पता है मैं उन पेड़ों की पहचान आप तक आपको भी करवाता हूँ। तो दोस्तों ये पेड़ है जो, ये इसको कहते हैं बांज, और बांज का पेड़ बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं हमारे पहाड़ की दिनचर्या में। दूसरे नंबर पर आता है ये तिलौंज, और ये तिलौंज का पेड़ भी पशु को चारा डालने में बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और दोस्तों ये है बुरांस का पेड़, और मार्च के महीनों में इन पेड़ों में बहुत ज़्यादा बुरांस के फूल खिल जाते हैं। आजकल पतझड़ का मौसम है, और मौसम के चलते यहाँ पे बहुत सारे पेड़ों के पत्ते झड़ रहे हैं। और ये है मेलू का पेड़, और दोस्तों ये है रुइंस का, जो जिसकी ये बारीक बारीक पत्तियाँ दिख रही हैं, ये है रुइंस का पेड़। और मैं जा रहा हूँ भंबोरे के लिए, और देखते हैं भंबोरे मिलते हैं हमें या नहीं मिलते हैं। बहुत दूर से आगे हैं हम, अभी तो हमारे पास भंबोरे की कोई रिपोर्ट नहीं है। दूर दूर तक कहीं से भी हमें ये उम्मीद नहीं है कि अब भंबोरे मिलेंगे। काफ़ी दूर से आ गए हम, एक पेड़ था उसमें भंबोरे होते थे हर साल, इस बार उस पेड़ में हमें भंबोरे नहीं मिले। और ये देखिए जंगली फल, इसको कहते हैं किनगोड़, और इसको इनको खाते भी हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं ये। दोस्तों बहुत खट्टे हैं यहाँ पे, और ये रास्ते हैं जंगल जाने के लिए, ऐसे ही रास्ते होते हैं, कहीं से भी रास्ता बन जाता है, जहाँ से आगे की दिशा दिखे वहीं रास्ता बन जाता है। और हम पहुँच गए यहाँ, तेला बुरुंग, और इसको तेला बुरुंग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे तिलौंज काफ़ी है। और दोस्तों जिस भंबोरे की मैं बात कर रहा हूँ ये है वो भंबोरे के पेड़, ऐसी पत्तियाँ होती हैं भंबोरे की, और ये छोटा सा पेड़ है। यहाँ पे आगे भी हैं बड़े बड़े, देखते हैं उनमें भंबोरे मिलते हैं या नहीं। दोस्तों फाइनली भंबोरे के पेड़ के सामने तो आ गए हम, ये है बड़ा वाला पेड़ ये, और इसमें कहीं भी भंबोरे नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसमें छोटे छोटे कच्चे भंबोरे दिखाई दे रहे हैं। दिखाते आपको, यहाँ पर कच्चे हैं ये, बड़े छोटे छोटे से हैं, दिखाई दे रहे होंगे आपको। इनसे तो, इन भंबोरों से तो ऐसा महसूस हो रहा, पता है भंबोरे हमें मुश्किल मिलेंगे, ये अभी हो रहे हैं, देखते हैं अगर आगे मिलते हैं तो। और दोस्तों जो ये कांटे वाली घास है ना, ये हरा भरा पेड़ है, इसको कहते हैं गडकनो, तो ये गडकनो का पेड़ है। और यहाँ से छोटे छोटे बुग्याल, इतने घने जंगलों से गुजरना पड़ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए एक लाइक कमेंट शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और दोस्तों एक ये भी है यहाँ पे भंबोरे के पेड़, लेकिन इसमें भी भंबोरे नहीं हैं।
तो हम चलेंगे अब यहाँ से नीचे को, यहाँ भी होते हैं भंबोरे का भंबोरे, और यहाँ से बहुत घना रास्ता है। और आजकल दोस्तों यहाँ किनगोड़ हैं, जबकि किनगोड़ का सीज़न कब चले गया है, लेकिन यहाँ पे अब हो रहे हैं किनगोड़। इतना ठंडा एरिया है ये। ये भी है भंबोरे का पेड़, लेकिन इसमें भी भंबोरे नहीं है। दोस्तों सारे भंबोरे के पेड़ दिखाऊंगा मैं आपको, ताकि कोई और आ रहा हो अगर भंबोरे के लिए, खाने के लिए, तो मत आए प्लीज़, क्योंकि है नहीं यहाँ पे। मेरा तो यहाँ पे पोपट बन गया है, तो तुम्हारा ना बने, इसलिए आज तक ये मैसेज पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पे पता नहीं किसी ने आग लगा ली, किसी बेसमझ इंसान ने किया होगा ऐसा काम, जिसने यहाँ पे आग लगाई। जंगलों में दोस्तों आग नहीं लगानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जंगल बहुत ही ज़्यादा घने हैं, यहाँ पे चलने में भी दिक्कत हो रही है। दोस्तों अब आगे हम यहाँ पे बहुत बड़ी चोटी पे, और यहाँ चोटी से आगे बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारे दिखा। यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा दिख रहा है, बहुत ही गजब। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा नेचर देखने को मिल रहा है। तालगेर का दो भंबोरे मिल गए, छोटे छोटे, एक पका हुआ है, एक अच्छा है, पैर सीधे अंदर जा रहा। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों आ चुके हैं हम यहाँ पे खाल में, और खाल का यहाँ से चारों तरफ का नेचर आपको बहुत ही प्यारा लग रहा होगा, मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, इस तरफ से अभी धूप है, और यहाँ दूसरी साइड से धूप चली गई है, और यहाँ से बहुत ही सुंदर नेचर देखने को मिल रहा है यहाँ।